हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में मैंने टेक्सचुअल और टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एक्सप्लेन किया था। इस वीडियो में हम जानेंगे कि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा क्या होता है। ओके, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा ट्रांसलेट्स क्वाइट इफेक्टिवली द हाईली एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज कंटेंड इन नंबर्स इंटू मोर कॉन्क्रीट एंड इजिली कॉम्प्रिहेंसिबल फॉर्म। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में जब हमारा डेटा बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, हम उसको टेबल्स या ग्राफ टेबल्स या फिर टेक्स्ट में नहीं प्रेजेंट कर सकते, तब हम उसको डायग्राम्स की मदद से और ग्राफ की मदद से इजीली प्रेजेंट कर सकते हैं, उसे बोलते हैं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। इसके नाम से ही पता चल जाता है कि यहाँ पर डायग्राम्स का यूज़ होने वाला है। ओके, यूज़ ऑफ वेरियस डायग्राम्स एंड ग्राफ्स। नाउ देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ डायग्राम्स। फर्स्ट इज ज्योमेट्रिक डायग्राम्स, सेकेंड इज फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स, थर्ड इज अरिथमेटिक लाइन ग्राफ। ये वीडियो में मैंने सिर्फ ज्योमेट्रिक डायग्राम ही एक्सप्लेन किया है। फ्रीक्वेंसी डायग्राम एंड अरिथमेटिक लाइन ग्राफ आर एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट वीडियोस। ओके, तो पहले हम ज्योमेट्रिक डायग्राम्स पढ़ेंगे। इन ज्योमेट्रिक डायग्राम्स बार डायग्राम एंड पाई डायग्राम आर इंक्लूडेड। ज्योमेट्रिक डायग्राम में हम दो टाइप्स पढ़ेंगे, बार डायग्राम एंड पाई डायग्राम। सो फर्स्ट, व्हाट इज बार डायग्राम? A bar diagram is a graphical display of data using bars or rectangles of different heights. जब हम हमारे डेटा को बार्स या फिर रेक्टेंगल्स का यूज़ करके शो करते हैं, तब उसे हम बोलते हैं बार डायग्राम। ओके, यहाँ पर डेटा की जो भी वैल्यूज़ होगी, तो वैल्यूज़ के हिसाब से बार की हाइट अलग अलग हो सकती है, लेकिन उसकी जो ब्रेथ रहेगी वो हमेशा सेम रहेगी। सारे बार्स की ब्रेथ सेम रहेगी, लेकिन सबकी हाइट डिफर कर सकती है। अब बार डायग्राम के कुछ फीचर्स हैं, पहले हम उन फीचर्स को पढ़ लेते हैं, फिर हम उसके टाइप्स को पढ़ेंगे। ओके, सो फर्स्ट फीचर इज हाइट ऑफ द बार्स डिफर्स एंड द विड्थ रिमेन सेम। जैसे मैंने अभी बोला कि वेरिएबल अलग हो सकती है सारे बार्स की, लेकिन विड्थ रिमेन सेम। विड्थ हमेशा सभी बार्स की हम पहले से ही कुछ डिसाइड कर लेंगे, हम वही विड्थ सभी बार्स की रखेंगे। यहाँ पे विड्थ मैटर नहीं करता है, यहाँ पे हाइट ही मैटर करती है। ओके, सेकेंड इज ओके सेकेंड इज लोअर एंड ऑफ द बार्स टचेस द बेस लाइन एंड हाइट रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। मतलब बार्स का एक अपर पॉइंट होगा और एक लोअर पॉइंट होगा, तो लोअर पॉइंट जो है वो हमारी बेस लाइन यानी कि हमारी एक्स एक्सिस को टच करेगा, लेकिन जो हाइट होगा मतलब जो अपर एंड होगा वो हमारा वेरिएबल की वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मैंने अभी बोला कि हाइट हमेशा अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो लोअर एंड होगा वो हमेशा बेस लाइन को ही टच करेगा, वो हम उसके ऊपर या नीचे नहीं लेके जा सकते। ओके, नेक्स्ट इज बार्स आर इक्वी स्पेस्ड, यानी कि सभी बार्स के बीच में हम इक्वल स्पेस रखेंगे, स्पेस अलग अलग नहीं रखेंगे, गैप सबके बीच में सेम होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज कैन बी रिप्रेजेंटेड वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। मतलब हम हमारे बार्स को एक्स एक्सिस पे भी रख सकते हैं, तो हम उसे बोलेंगे कि हमने वर्टिकली प्रेजेंट किया है, लेकिन अगर हम हमारे बार्स को वाई एक्सिस पे रखते हैं तो हम उसे बोलेंगे कि हमने उनको हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट किया है। तो बार डायग्राम वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों ही तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है, लेकिन लोग ज़्यादा वर्टिकली का ही यूज़ करते हैं। ओके, हॉरिजॉन्टल बहुत कम यूज में आता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि बार डायग्राम के क्या क्या टाइप्स होते हैं। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ बार डायग्राम्स। फर्स्ट इज सिंपल बार डायग्राम, सेकेंड इज मल्टीपल बार डायग्राम एंड थर्ड इज कॉम्पोनेंट बार डायग्राम। फर्स्ट वी विल लर्न वॉट इज सिंपल बार डायग्राम। सिंपल बार डायग्राम इज यूज टू रिप्रेजेंट डेटा इन्वॉल्विंग ओनली वन वेरिएबल। मतलब कि जब भी हमारे डेटा में सिर्फ एक ही वेरिएबल है, तब हम सिंपल बार डायग्राम का यूज़ करेंगे, और यहाँ पे हर एक वेरिएबल के लिए सिर्फ एक ही बार बनाया जाएगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं सिंपल बार डायग्राम। यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है, ईयर्स एंड प्रोडक्शन इन लाख रुपीज़। एक कंपनी ने डिफरेंट ईयर्स में कितना कितना प्रोडक्शन किया था, उसका डेटा है। तो यहाँ पर ईयर ये सिर्फ एक ही वेरिएबल है। ओके, तो हम एक वेरिएबल के लिए सिंपल बार डायग्राम का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर
फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लिया था। एक्स एक्सिस पे मैंने ईयर्स रिप्रेजेंट किए हैं, ओके, और वाई एक्सिस पे मैंने ये प्रोडक्शन इन लाख रुपीस प्रेजेंट किए हैं, ओके। और हम हर एक हमारे बार डायग्राम को टाइटल भी देंगे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग है। तो यहाँ पर मैंने टाइटल भी दिया है, सिंपल बार डायग्राम शोइंग प्रोडक्शन इन लाख रुपीज़ ऑफ अ कंपनी ओवर 5 ईयर्स। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज रीडर को टाइटल पढ़ के ही पता चलता है कि ये क्या शो कर रहा है, ओके, वो डायरेक्टली नहीं एक्सप्लेन कर सकता इसको। तो फर्स्ट 2011 में 120 प्रोडक्शन 120 लाख रुपीज़ का प्रोडक्शन हुआ है। तो हम एक्स एक्सिस पे 2011 के यहाँ पर 120 तक एक हम बार बना देंगे। ये जो हाइट है बार की, ये 120 पे जाके रुक रही है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 120 है, ओके। नेक्स्ट 2012 में 150 का प्रोडक्शन है, तो 2012 के ऊपर हम 150 तक का बार लेकर जाएंगे। यहाँ पे 150 नहीं है हमारे एक्स एक्सिस पे, तो हम 140 और 160 के बीच में, एग्जैक्ट उसके बीच में ही हम एक उसकी हाइट रखेंगे, उसके लिए यहाँ पर ये 150 होगा, ओके। फिर 2013 में 130, तो 2000 एक्स एक्सिस पे हम 2013 पे 130 तक हमारा बार बनाएंगे। 130 यहाँ पे नहीं है, तो हमने 120 और 140 के बीच में 130 ले लिया था। नेक्स्ट 2014 में 140, तो 2014 में 140 तक का हम एक बार लेकर जाएंगे, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 140 लाख प्रोडक्शन, इसकी हाइट, ओके। नेक्स्ट इज 2015 में 160, तो 2015 में हम 160 तक का बार लेकर जाएंगे। अब यहाँ पे आप सभी फीचर्स को वापस से फॉलो कर सकते हो कि हाइट सभी बार्स की अलग अलग है लेकिन विड्थ सेम है। हाइट जो है वो वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, हम हाइट को देख के बता सकते हैं कि कौन से वेरिएबल की क्या क्या वैल्यू है, ओके। लेकिन विड्थ सभी बार्स के बीच में इक्वल स्पेस है, ओके, तो यहाँ पर भी सभी बार्स के बीच में इक्वल स्पेस है। और हमारे जो लोअर एंड है, लोअर एंड है वो बेस लाइन को टच होना चाहिए, तो यहाँ पे सभी बार्स की लोअर एंड बेस लाइन को टच कर रही है और उसकी जो हाइट है वो वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है, ओके। तो ये सभी फीचर्स भी यहाँ पे फॉलो हो रहे हैं, तो ये एक परफेक्ट बार डायग्राम है। और क्योंकि ये सिर्फ एक वेरिएबल के लिए है, हम इसे सिंपल बार डायग्राम बोलेंगे। नेक्स्ट इज मल्टीपल बार डायग्राम। मल्टीपल बार डायग्राम क्या होता है? वेन देर आर टू और मोर वेरिएबल्स इन द डेटा, मल्टीपल बार डायग्राम इज यूज्ड। जब एक से ज़्यादा डेटा होता है, एक से ज़्यादा वेरिएबल होता है हमारे पास, हम उस टाइम पे मल्टीपल बार डायग्राम का यूज़ करते हैं। हम एक ही ग्राफ में दोनों वेरिएबल्स को एक साथ शो कर सकते हैं, हम एक एक वेरिएबल के लिए अलग अलग ग्राफ नहीं बनाएंगे, हम एक ही ग्राफ में दोनों वेरिएबल्स को साथ में भी शो कर सकते हैं मल्टीपल बार डायग्राम की मदद से, ओके। यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि वही कंपनी के डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में हमारे पास पहले प्रोडक्शन था, अब हमारे पास सेल्स भी है। तो यहाँ पर प्रोडक्शन और सेल्स ही हमारे पास दो डेटा है, इसीलिए हम इसको मल्टीपल बार डायग्राम की मदद से एक ही ग्राफ में शो करेंगे। तो पहले तो एक्स एक्सिस पे मैंने ईयर्स ले लिए हैं और वाई एक्सिस पे मैंने प्रोडक्शन और सेल्स दोनों ही ले लिए हैं। दोनों वेरिएबल को हमें वाई एक्सिस पे साथ में ही ले लेना है, ओके। और हमने इसको हेडिंग भी दे दी है, मल्टीपल बार डायग्राम शोइंग प्रोडक्शन इन लाख रुपीज़ ऑफ अ कंपनी ओवर 5 ईयर्स। यहाँ पे हम दोनों चीज़ें शो करेंगे। और नीचे के साइड आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि ब्लू बॉक्स के मैंने बाजू में लिखा है प्रोडक्शन एंड ग्रीन बॉक्स के बाजू में लिखा है सेल्स। मतलब जो मेरा ब्लू बार रहेगा वो प्रोडक्शन इंडिकेट करेगा और ग्रीन कलर का बार सेल्स इंडिकेट करेगा, ओके। तो यहाँ पर 2011 में 120 प्रोडक्शन है और 140 सेल्स है, तो मैं पहले प्रोडक्शन और सेल्स दोनों का बार ड्रॉ करूँगी 2011 के लिए। इस तरह से ब्लू कलर का बार 120 पे जाके रुक रहा है और ग्रीन कलर का बार 140 पे जाके रुक रहा है, तो ये हम एक ही साथ 2011 में हम प्रोडक्शन और सेल्स दोनों ही एक साथ में शो कर सकते हैं मल्टीपल बार डायग्राम की मदद से, ओके। देन 2012 में 150 एंड 145, तो 150 ब्लू प्रोडक्शन हमारा है ब्लू कलर का बार और ग्रीन कलर का बार 145 है, ओके। तो यहाँ पर भी हमने दोनों को एक साथ शो कर दिया।
देन नेक्स्ट 2013 में 130 प्रोडक्शन एंड 140 सेल्स. सो ब्लू कलर का बार 130 पे जाके रुक रहा है और ग्रीन कलर का बार 140 पे जाके रुक रहा है. ओके 2014 में 140 एंड 160. सो इन 2014 वी विल ड्रॉ ब्लू कलर बार ऑन द हाइट ऑफ 140 एंड सेल्स ऑफ 160. ओके देन नेक्स्ट 2015 में 160 एंड 150. सो 2015 में हम ब्लू कलर का बार 160 तक लेकर जाएंगे और ग्रीन कलर का बार 150 तक लेकर जाएंगे. तो इसे हम बोलते हैं कि ये मल्टीपल बार डायग्राम है, क्योंकि हम एक ही मतलब एक ही ईयर में हम एक से ज़्यादा बार्स को ड्रॉ कर रहे हैं, एक से ज़्यादा डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ओके तो इसे हम मल्टीपल बार डायग्राम बोलेंगे. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि कंपोनेंट बार डायग्राम क्या होता है. कंपोनेंट बार डायग्राम में हम हमारे बार्स को अलग अलग पार्ट्स में या अलग अलग कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देंगे और हर एक पार्ट हर एक कंपोनेंट कुछ डेटा रिप्रेजेंट करेगा, इसीलिए इसे कहते हैं कंपोनेंट बार डायग्राम. ओके जैसे कि एक बिल्डिंग में अलग अलग फ्लोर्स होते हैं, पूरी वो बिल्डिंग अलग अलग फ्लोर से डिवाइडेड होती है, उसी तरह से यहाँ पर हमारे बार्स भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड होते जाएंगे और हर एक पार्ट कुछ डेटा रिप्रेजेंट करेगा, कुछ फिगर रिप्रेजेंट करेगा. ओके कंपोनेंट बार डायग्राम इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डेटा इन विच द टोटल मैग्नीट्यूड इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स. यानी कि टोटल मैग्नीट्यूड मतलब टोटल साइज ऑफ द वेरिएबल. जितनी भी साइज होगी टोटल, वो टोटल साइज को हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके हमारा डेटा शो करेंगे. ओके जैसे हम मल्टीपल बार डायग्राम यूज़ करते हैं, मल्टीपल बार डायग्राम की जगह पे हम कंपोनेंट बार डायग्राम को भी यूज़ कर सकते हैं. वो कैसे करेंगे अभी मैं बताऊंगी. और हर एक पार्ट को अलग अलग हम शेड कर देंगे. ईच कंपोनेंट और पार्ट ऑफ द बार इज शेडेड डिफरेंटली. मतलब हम हर एक पार्ट को अलग अलग शेड कर देंगे या उसको अलग अलग डिज़ाइन दे देंगे, ताकि सारे पार्ट्स हमें डिफरेंशिएट, हम सारे पार्ट्स के बीच में डिफरेंशिएट कर सकें. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास यहाँ पर मंथली एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, फूड, क्लोथ्स, एजुकेशन, रेंट, अदर्स और टोटल. और ये एक्सपेंसेस फैमिली ए के लिए भी दिए हुए हैं और फैमिली बी के लिए भी दिए. पहला ऑप्शन है कि हम मल्टीपल बार डायग्राम का यूज़ करके फैमिली ए और फैमिली बी दोनों का ही डेटा रिप्रेजेंट साथ में कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे हम कंपोनेंट बार डायग्राम का यूज़ करेंगे. कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और द क्यूमुलेटिव एक्सपेंसेस ऑफ बोथ द फैमिलीज. पहले हम फैमिली बी का क्यूमुलेटिव एक्सपेंसेस फाइंड करेंगे. क्यूमुलेटिव एक्सपेंसेस मतलब हम हर एक स्टेज पे हमारे एक्सपेंसेस को ऐड करते जाएंगे. जैसे ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF फॉर फैमिली ए है. फर्स्ट फूड के लिए तो 8100 है, तो 8100 एज इट इज लिख दिया. ओके नेक्स्ट क्लोथ्स के लिए हम 8100 और क्लोथ्स का 2700 दोनों को ऐड कर देंगे और फिर लिखेंगे 10800. उसी तरह से जब एजुकेशन पे आएंगे तो एजुकेशन में ये 10800 में हम 2880 को ऐड करेंगे और लिखेंगे 13680. और फिर रेंट के लिए 13680 में 16200. हम हर एक स्टेज पे हमारे एक्सपेंसेस को ऐड करते जाएंगे और लिखते जाएंगे. तो इसे बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव एक्सपेंसेस. ये तो फैमिली ए के लिए बनाया, उसी तरह से फैमिली बी के लिए भी बनाएंगे. फर्स्ट फूड के लिए तो 7000, सेकेंड 7000 प्लस 2000, तो ये क्लोथ्स के लिए हो जाएगा 9000. ओके फिर 9000 में हम एजुकेशन का 2000 भी ऐड करेंगे और लिखेंगे 11000. फिर फोर्थ के लिए रेंट 4000 है, तो उसमें 11000 प्लस 4000 करेंगे तो 15000. और लास्ट में अदर्स को भी ऐड कर देंगे, 2000 ऐड करेंगे 15000 में, तो हमारे पास आएगा 17000. तो ये जो लास्ट का जो अमाउंट आ रहा है ना दोनों का 16200 और बी के लिए 17000, ये हमारे टोटल एक्सपेंसेस आ रहे हैं फैमिली ए और बी के लिए. ठीक है तो सबसे पहले हम हमारा ग्राफ ड्रॉ करेंगे. अब पहले मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे डेटा
अब हम हमारा ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मैंने लेबल कर दिया है। एक्स एक्सिस पे हम फैमिलीज ए और फैमिलीज बी लिखेंगे और वाई एक्सिस पे मंथली एक्सपेंसेस इन रुपीज़ लिख देंगे। ओके, और यहाँ पर मैंने टाइटल भी दे दिया है ग्राफ को, कॉम्पोनेंट बार डायग्राम शोइंग मंथली एक्सपेंसेस इन रुपीज़ ऑफ फैमिलीज़। ओके, तो अब हम हमारा पहले ग्राफ बार्स ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे भी हमें सेम रूल अप्लाई करना है जैसे हमने सिंपल और मल्टीपल बार डायग्राम में किया था कि लेंथ अलग अलग हो सकती है लेकिन विड्थ जो ब्रेथ है बार्स की वो हमेशा सेम रहेगी और बार्स के बीच में स्पेस भी इक्वल रहेगा, इक्वल गैप रहेगा दोनों के बीच में। ओके, तो पहले फैमिली ए के लिए हम करते हैं। सबसे पहले हम जो टोटल हमारा एक्सपेंस है फैमिली ए का 16,200, तो 16,200 का हम एक बार बना देंगे कुछ इस तरह से। ओके, अब इस पूरे बार को हम डिवाइड करेंगे हमारे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। सबसे पहला हमारा फूड के लिए जो है वो 8,100 एक्सपेंसेस है। ओके, तो सबसे पहले मैं फूड के लिए 8,100 का एक्सपेंसेस का एक कलर बार ड्रॉ कर दूंगी। आप इसको चाहे तो शेड भी कर सकते हैं या फिर कलर में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लोथ्स के लिए, क्लोथ्स वैसे तो 2,700 है लेकिन हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का हम यूज़ करेंगे, हम एक्चुअल फ्रीक्वेंसीज का यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पर। तो क्लोथ्स के लिए 10,800 है, तो हमारा दूसरा बार जो है वो 10,800 तक जाएगा, मतलब 81 और 10,800 तक जाएगा। ओके, फिर थर्ड हमारा जो बार रहेगा, थर्ड पार्ट रहेगा हमारा एजुकेशन का, जो जाएगा 13,680 तक। ओके, फिर नेक्स्ट हमारा पार्ट रेंट के लिए जाएगा, वो 15,300 तक जाएगा। और लास्ट का जो है अदर्स, वो 16,200 तक पूरा चला जाएगा, मतलब वो बचा हुआ 900 अदर्स के लिए है। तो इस तरह से हम पूरा हमारा एक कंपोनेंट बार डायग्राम ड्रॉ करेंगे फैमिली ए के लिए। हमने पहले पूरा टोटल बार ड्रॉ किया और उसके उस बार को, टोटल बार को हमने उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का यूज़ करके। इसी तरह से हम फैमिली बी का भी फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम उसका टोटल एक्सपेंसेस 17,000 है, तो हम एक बार बनाएंगे 17,000 तक का, ये टोटल हमारा पूरा बार है। अब इस बार को हम डिवाइड करेंगे हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। पहला फूड के लिए 7,000 है, तो पहला पार्ट रहेगा 7,000 तक। नेक्स्ट क्लोथ्स के लिए हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 9,000 तक है, तो अब 7,000 से शुरू होते हुए ये 9,000 तक जाएगा। ओके, नेक्स्ट एजुकेशन के लिए 11,000 तक जा रहा है, तो 9,000 से शुरू होके 11,000 तक जाएगा। फिर रेंट के लिए 15,000 है, तो 11,000 से शुरू होके 15,000 तक जाएगा। और नेक्स्ट अदर्स 17,000, तो ये टोटल अदर्स का भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से कंपोनेंट बार डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम, हमारे बार्स में अलग अलग पार्ट या अलग अलग कंपोनेंट्स बनाते हैं, इसीलिए इसको कंपोनेंट बार डायग्राम या फिर सब डिवाइडेड बार डायग्राम भी कहा जाता है। ओके, अब हम देखेंगे कि पाई डायग्राम क्या होता है। तो पाई डायग्राम, जब हम हमारे डेटा को एक सर्कुलर ग्राफ में ड्रॉ करते हैं, एक सर्कल में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसे बोलते हैं पाई डायग्राम। ओके, पाई मीन्स सर्कल। सो अ पाई चार्ट इज़ अ टाइप ऑफ ग्राफ दैट डिस्प्लेस डेटा इन अ सर्कुलर ग्राफ, मतलब हम हमारे डेटा को एक सर्कल में रिप्रेजेंट करेंगे तो इसे हम बोलेंगे पाई डायग्राम। द पीसेस ऑफ द ग्राफ इज प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। हम पूरे सर्कल में हमारे डेटा, हमारा जितना भी डेटा है उसको पूरे सर्कल में डिवाइड कर देंगे, तो जितने भी डिवाइडेड पार्ट बनेंगे या कंपोनेंट्स बनेंगे वो सर्कल में, हम उस हर एक पार्ट को पीसेस बोलेंगे या फिर उसको पाई भी बोला जा सकता है। कुछ वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा पूरे टोटल ग्राफ में से। ओके, तो अब हम देखते हैं कि कैसे इसको कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन ऑफ 2011 बाय देयर वर्किंग स्टेटस इन करोर्स, ये हमारे पास डेटा है कि मार्जिनल वर्कर्स जो है वो 12 करोड़ है पूरे इंडिया की पॉपुलेशन में से। ओके, मेन वर्कर्स 36 करोड़ है, नॉन वर्कर्स 73 करोड़ है, और इसी तरह से टोटल 121 करोड़ की जो पॉपुलेशन थी 2011 में, उसमें उसको हमने अलग अलग
स्टेटस के हिसाब से डिवाइड कर दिया है। अब इसको हम पाई डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम हमारे डेटा को डायरेक्टली पाई डायग्राम में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, पहले हमें इसको ये फ्रीक्वेंसीज को, ये पॉपुलेशन की जो कॉलम है इसको हमें डिग्रीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक सर्कल जो है वो पूरा 360 डिग्री का होता है। तो हम इन सभी नंबर्स को पहले डिग्रीज़ में कन्वर्ट करेंगे। डिग्रीज़ में कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट मार्जिनल वर्कर का कैसे करेंगे, 12 है, 12 करोड़ डिवाइडेड बाय 121 करोड़, जो एक्चुअल हमारा डेटा है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो है वो न्यूमरेटर में रखेंगे और टोटल जितनी भी हमारी पॉपुलेशन है उसको हम डिनोमिनेटर में रखेंगे। तो 12 डिवाइडेड बाय 121 और मल्टीप्लाइड बाय 360 डिग्रीज़ में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, तो ये हमारा आंसर आएगा फर्स्ट का 36 डिग्री। उसी तरह से मेन वर्कर्स 36 डिवाइडेड बाय 121 मल्टीप्लाइड बाय 360 विल गिव 107 डिग्रीज। देन 73 डिवाइडेड बाय 121 मल्टीप्लाइड बाय 360 विल गिव 217 डिग्रीज फॉर नॉन वर्कर। अब ये टोटल पूरी डिग्रीज 360 डिग्री है, तो अब हम इस डेटा को एक सर्कल में रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस तरह से। पहले हमें एक प्लेन सर्कल बना लेना है और उसके बाद हम प्रोटेक्टर या फिर पूरा एक राउंड सर्कल भी आता है स्टेशनरी शॉप पे, आपको आसानी से मिल जाएगा, उसकी मदद से आप डिग्रीज को मार्क करके और लाइंस ड्रॉ करेंगे और इस तरह से पाई चार्ट बनाएंगे। ओके, और उसका टाइटल भी हमें लिखना है, पाई चार्ट शोइंग इंडियन पॉपुलेशन इन 2011 बाय देयर वर्किंग स्टेटस। और हम हर एक पार्ट को उसके डिग्रीज, स्क्वायर डिग्रीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम वो यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मैंने लेबल किया हुआ है 36 डिग्रीज, 107 डिग्रीज एंड 217 डिग्रीज, और आप चाहे तो यहाँ पर डिग्रीज की जगह पे जो एक्चुअल पॉपुलेशन इन करोड़्स दी हुई है वो भी लिख सकते हैं। ओके, अब स्टूडेंट्स, आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को।